हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी पूजा सेठ। कैसे हैं आप सभी? पूरी आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को। लेकिन मेरे कई सारे वीडियो लवर और व्यूअर्स ये चाहते थे कि मैं दुर्गा पूजा लुक शेयर करूं, दुर्गा पूजा मेकअप शेयर करूं, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैंने दुर्गा पूजा के लिए ये स्पेशल लुक आपके लिए किया है और इसमें मैं बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ आपको मेकअप करने बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है और इससे ही मैचिंग करता हुआ मैंने मेकअप दिया हुआ है। आप देखेंगे कि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे मेकअप करना है और आप देखेंगे कि मैंने बिना किसी हाइलाइटर को यूज़ किए और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना यूज़ करते हुए मैंने लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ ये वीडियो किया है, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो मेरा ये वीडियो और लुक कैसा आपको लगा है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में आने वाले बेल बटन को भी जरूर हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना है। पहले मैंने लिया है अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए ये प्लम का फेस सीरम। आपको प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। आपको इसे इस तरह से 4-5 ड्रॉप जो है फेस पे अप्लाई करना है और पूरे फेस में इसे एब्जॉर्ब करा लेना है। और अब मैंने फाउंडेशन के लिए डिजर्ट बेस कलर में ये वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन लिया है, जो कि मेरे स्किन टोन के हिसाब से बिल्कुल सही है। फाउंडेशन को आप बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, आप जितना लाइट मेकअप रखेंगे उतना ही नेचुरल मेकअप आपके लिए लगेगा और आप जैसा डिज़ायर लुक चाहते हैं वैसा आपको डिज़ायर लुक भी मिलेगा। और इसे मैं एक फाउंडेशन ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने हाथ की मदद से भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड कर लेने के बाद इसे सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है लैक्मे 9 to 5 का ये लूज पाउडर और इससे पूरे बेस को सेट करेंगे। वैसे तो इस मौसम में बहुत स्वेटिंग नहीं होती है लेकिन फिर भी मैं कंटूरिंग नहीं करूँगी और मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी केवल। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, जो भी मतलब आप यूज़ करें ब्रॉन्जर करने के लिए। तो मैंने ये रेवोल्यूशन पैलेट लिया है और इसमें से जो ये शेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें से मैंने ये शेड पिक किया है और इस शेड से ही मैं ब्रॉन्जिंग करने वाली हूँ। बिल्कुल मैट फिनिश में ये कलर आपको देगा, आपको अलग से शाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप मेकअप को नेचुरल लुक देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइनियर और बहुत ज़्यादा शिमरी प्रोडक्ट यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्लम का सीरम यूज़ किया है तो वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है आपके स्किन पे और काफ़ी अच्छा ग्लो भी लाता है। तो इस तरह से मैं फेस पे थोड़ा सा इसे मिक्स करते हुए यूज़ कर रही हूँ। नोज़ को कट करने के लिए भी मैंने यही प्रोडक्ट यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कोई लिक्विड कंटूर स्टिक वगैरह यूज़ नहीं किए, मैंने पाउडर से ही, जो कि रेवोल्यूशन पैलेट से मैंने लिया है, मैंने उससे ही किया। और मैंने अभी लिया है सुगर का ये ब्रो पेंसिल और ये ब्राउन कलर में है और बहुत ही अच्छे से शेप में लाता है आईब्रोज़ को। अगर आप शौकीन हैं आईब्रोज़ को बिल्कुल नेचुरल कलर देने में तो आपके लिए ये काफ़ी परफेक्ट है, क्योंकि ब्लैक कलर यूज़ करने से अगर आप ब्रोज़ के लिए ब्लैक कलर का आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं तो उससे वो बिल्कुल फेक लगता है। और इसके बाद अब मैंने लिया है सिवाना कलर पैलेट से ये आई शेडो पैलेट और आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे शेड्स हैं जो आपके आई शेडो को, आपके आई शेडो के कलर को इन्हेंस करने में मदद करेंगे। तो इस पैलेट से मैंने ये कलर चूज़ किया है और इस तरह से आईलिड पे आपको मिक्स करते हुए लगाना है ताकि जो आप कट क्रीज क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कट क्रीज बिल्कुल बहुत ही अच्छे से डिफाइन हो,
तो इस तरह से आप आई शेडो यूज करेंगे तो आप देखेंगे आई शेडो आपकी बहुत ही अच्छी लगेगी। और अब मैंने लिया है हिलेरी रोडा का ये आई शेडो पैलेट और ये भी काफी अच्छा आई शेडो होता है और इसमें काफी अच्छे अच्छे कलर्स आपको मिल जाएंगे। चूंकि मैंने रेड कलर की साड़ी वियर की हुई है तो मैंने रेड कलर से ही मैच करता हुआ ये शेड लिया है और इसे मैं आउटर वी कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए हाफ तक ले आऊंगी, मिड तक आपको लाना है और उसके बाद इसे आपको वहीं पे छोड़ देना है। और इसी पैलेट से ये गोल्डन शेड मैंने पिक किया है और रियली फ्रेंड ये पैलेट का ये जो गोल्डन शेड है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि मैडम इसके ऊपर आपने कोई शिमर का गोल्डन डस्ट लगाया है या फिर कुछ आपने अलग से यूज़ किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो गोल्डन कलर है वो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देता है और इस तरह से उसको आप हाफ तक यूज करेंगे और मिक्स कर देंगे। आपकी आई शेडो डन हो चुकी है और अब मैंने फेसेस कनाडा का ये मैग्नेटिक आईज आईलाइनर लिया है और इसे आपको आईलाइनिंग करनी है। लाइन आप अपने डिजायर के अनुसार रख सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा बोल्ड लाइन भी कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए था। बहुत ही अच्छा आईलाइनर होता है ये और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका जो ब्रश होता है वो काफी अच्छे से आपको लाइन करने में मदद करता है। और अब मैंने अर्बन कलर का ये मस्कारा लिया है और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है और काफी अच्छा वॉल्यूम देता है। आप देख रहे होंगे वन स्ट्रोक में ही आईज पे जो भी हमारे आईलैशेस हैं, मैंने कोई फॉल्सेस नहीं लगाए हैं, केवल मस्कारा से ही आप देख रहे होंगे कि काफी अच्छा इफेक्ट आया है आईज में। और अब मैंने फिर से अर्बन कलर का ही ये रेड सीरिन कलर है और इसको मैं लिपस्टिक में लगाऊंगी। और ये परचेज लिंक इसका शायद मैं आपको मुझे ना मिल पाया क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग इसकी नहीं होती है और मैंने इसे ऑफलाइन परचेज किया था। बट इसका जो शेड है वो है रेड सीरिन कलर और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है ये और इस मौसम के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद आपके स्किन को आपके लिप्स को ड्राई कर देती है। तो आप देख रहे हैं अब मैंने लगा लिया है सिंदूर और सिंदूर तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मैरिड वूमेन हैं तो सिंदूर लगाने से आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और अब मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का मैट मेकअप फिक्सर और इसे पूरे फेस को मेकअप फिक्स करने के लिए आपको यूज़ करना है। और हेयर स्टाइल के लिए मैंने इस तरह से थोड़े थोड़े से हेयर के सेक्शंस लिए थे और उसे इस तरह बैक कॉम्बिंग करने से एक वॉल्यूम दिया था ताकि आपके हेयर्स हैवी दिखाई पड़े। और आप चाहे तो अपने हेयर्स को ओपन रख सकते हैं या फिर आप उसे क्लच भी कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ओपन हेयर और क्लच करके दोनों तरह से दिखाया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा कौन सा वाला लुक अच्छा लगा, यानी कि मैंने जो ओपन हेयर में रखा हुआ था वो लुक अच्छा लगा या फिर मैंने जो क्लच किया था वो। इसके बाद मैंने थोड़ा सा टोंग किया था और बहुत ही कम सा मैंने किया था, ऐसा नहीं था, मुझे पूरा कर्ल नहीं चाहिए था अपना हेयर। हल्का सा वॉल्यूम देने के लिए मैंने दो चार टोंग कर लिए थे और पूरे हेयर्स में मिक्स कर दिया था जैसे कि आप देख रहे हैं। और अदर साइड भी मैंने ऐसे दो तीन टोंग कर लिए थे और पूरे हेयर्स में मिक्स करते हुए सारे बालों को मैंने वन साइड लिया था। और ओपन हेयर में आप देख सकते हैं कि मेरा लुक किस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद फिर से मैंने अपने हेयर्स पे इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया था ताकि अलग से ना दिखाई पड़े। और फिर आप देख सकते हैं कि क्लच करने के बाद मेरा लुक ये रहा। आप लोग कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये वीडियो किया है और काफ़ी टाइम निकाल के मैंने इस वीडियो को किया है। तो इसे खूब सारा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे इसके लिए मैं पूरा प्रयास करती हूँ। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं, ये रेड कलर की साड़ी है बट पता नहीं क्यों ये मेरी वीडियो में कुछ ऑरेंज शेड में आपको दिख रहा होगा बट ये बिल्कुल रेड कलर की साड़ी है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।